रखेंगे और हम सभी युवाओं को मार्गदर्शित करेंगे। सर आपका स्वागत है, अपनी बातों को संक्षेप में रखिए। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। आज के जंतर मंतर पर हो रहे इस कार्यक्रम में सबसे पहले बहुजन नायक मान्यवर काशीराम जी, बहुजनों के तमाम संतों गुरु महात्माओं को, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए संसद की शेरनी बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श और नेता मानते हुए आज इस विशाल प्रदर्शन में शामिल सभी नौजवान दोस्तों, साथियों और बहनों, साथियों बड़े दुख की बात है कि देश की आजादी को 70 साल हो गए हैं और आज भी भारत में बहुजनों की आवाज शेरनी बहन कुमारी मायावती जैसी नेता को राज्यसभा में बोलने से रोका जाता है। ये बहुत शर्म की बात है साथियों। आज का ये जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, सच्चे मायने में तो उसी दिन जिस दिन बहन जी को बोलने से रोका गया था, उसी दिन अथवा अगले दिन इस देश में जिन नेताओं द्वारा बोलने से रोका गया था उनका पुतला दहन होना चाहिए था साथियों। पूरे देश से आवाज आनी चाहिए थी साथियों, लेकिन आवाज नहीं आई। फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने युवा साथियों को, युवा संगठनों को, कि कम से कम आज आपने संसद में साथियों, जब तक हम इस देश के संसाधनों पर कब्जा नहीं करते हैं, देश के खजाने की चाबी हमारी नेता बहन जी के पास नहीं आती है, तब तक कोई भी विकास होना संभव नहीं है साथियों। आपने देखा होगा चार बार उत्तर प्रदेश में खजाने की चाबी की मालिक हमारी नेता आदरणीय बहन जी बनी है, तो उन्होंने गरीब और मजदूर के यहाँ पर अमन खुशहाली लाने का काम किया है और बहुजन की संस्कृति को पुनर्जीवित करने का काम उत्तर प्रदेश में किया है साथियों। इसलिए साथियों, मास्टर की सत्ता की जो चाबी है उसको हासिल करने के लिए अपनी नेता आदरणीय बहन जी के हाथ को मजबूत करना है और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है साथियों। इसी के साथ मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ और बहुत दिल तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ युवा साथियों का, युवा संगठनों का, कि जिन्होंने ये प्रदर्शन करके बहन जी के हाथों को और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम किया है साथियों। और हम इसी तरीके से इस देश में जो मौके पास ताकते हैं, जो संविधान के विरोध में काम करती है ऐसी ताकते हैं, उनको उखाड़ फेंकना है साथियों। सभी को सादर जय भीम, जय भारत, नमो भूतम।